हाय दोस्तों, स्टडी तक 2.0 के नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम क्लास 9th के साइंस चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित टॉपिक 2 विलयन को आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए विलयन क्या होता है। देखिए विलयन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, हमारे क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। देखिए जैसे जल में क्या चीनी का मिश्रण क्या है, हमारा समांगी मिश्रण है, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम विलयन कहेंगे। देखिए विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो विलय, दूसरा विलायक। देख भाई विलय क्या होते हैं, विलय को अंग्रेजी में सोलूट भी कहते हैं, सोल्यूट। देख भाई विलय होते क्या हैं। देखिए यहाँ पे हमारा विलयन कहाँ से बना था, चीनी प्लस पानी। देखिए यहाँ पर चीनी की मात्रा जो है कम है और पानी अधिक है, पानी अधिक था और चीनी ठोस भी है। तो विलेय पदार्थ क्या होते हैं, विलेय होता क्या है। देखिए विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होते हैं, आपके विलेय होते हैं, विलेय कहलाते हैं। और विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्वेंट। देखिए विलयन में जिसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, विलायक कहलाते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे पास क्या है, चीनी प्लस पानी का हमारे पास मिश्रण है, ये हमारा समांगी मिश्रण है, अर्थात ये हमारा विलयन है। तो आपकी जो चीनी है वो विलेय है क्योंकि इसकी मात्रा कम है, और पानी विलायक है। देखिए लिक्विड ही अधिकतर विलायक होते हैं। तो चलिए आगे क्या है, आगे है आपका तनु विलयन, तनु विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिल्यूट सॉल्यूशन। देखो भाई डिल्यूट सॉल्यूशन क्या है, देखिए वे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा अधिक होती है तनु विलयन कहलाते हैं, अर्थात वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा जो होती है वो सॉरी विलायक की जो मात्रा होती है अधिक होती है और विलेय की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाते हैं। अर्थात ये जो हमारा है, अगर इसमें मान लीजिए 10% चीनी और 90% क्या है पानी है, तो हमारा क्या होगा, तनु विलयन होगा। अब चलते हैं सांद्र विलयन देखते हैं क्या है, सांद्र विलयन। इसको भाई सांद्र विलयन को अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। भाई ये सांद्र विलयन होते क्या हैं, देखिए वे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा
अधिक होती है विलेय की अपेक्षा, कम होती है सांद्रवलन कहलाते हैं। वे विलयन जिनमें विलायक की मात्रा विलेय की अपेक्षा कम होती है। देखिए भाई, यहाँ पर अगर चीनी हमारी क्या हो जाए, 60% हमारी चीनी हो जाए और 40% विलायक अर्थात पानी हो जाए, तो हमारा विलयन क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा सांद्र विलयन और ये हमारा कहलाएगा तनु विलयन। तनु विलयन। इसके बाद भाई आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब भाई ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखिए वे विलयन जिनमें स्थिर ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अर्थात देखिए, जैसे एक टेम्परेचर है हमारे पास, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। अब इस टेम्परेचर में क्या करेंगे हम कि वे विलयन जिनमें विलेय की और अधिक मात्रा, मान लो यहाँ पर हमने इतना अधिक इसमें विलेय मिला दिया है, विलेय अधिक विलेय मिला दिया है कि इसे इसमें और अधिक और विलेय अर्थात और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता और नहीं घोला जा सकता, तो इस प्रकार के विलयन क्या कहलाएंगे, संतृप्त विलयन अर्थात सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई अपना आपका अगला क्या है, अगला है हमारा असंतृप्त विलयन अर्थात अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए भाई, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए वे विलयन जिनमें स्थिर ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर स्थिर ताप का मतलब यह है कि एक ही टेम्परेचर पर, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर मान लीजिए अगर 10 डिग्री सेल्सियस है या 15 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जब तक इसका मतलब क्रियाकलाप चलेगी, जब तक इसमें विलेय घोला जाएगा, तो इसका ताप सेम ही रहेगा। 15 डिग्री सेल्सियस है तो 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि विलेय की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है, विलेय की और अधिक मात्रा और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। देखिए भाई, इनके नाम से समझिए आप, संतृप्त विलयन बोल रहा है कि मतलब कि जो विलयन है संतृप्त हो चुका है, मतलब मान लीजिए हम खाना खाते हैं तो हम जब तक तृप्त नहीं हो जाते तब तक खाते ही रहते हैं, अर्थात हम संतुष्ट हो चुके हैं, इसको बोलेंगे संतृप्त। अब असंतृप्त की बात करें, असंतृप्त अगर हम हल्का फुल्का भूखे रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें और छक खाना चाहिए, तो हम इस अवस्था को असंतृप्त कहेंगे। देखिए हम विलयन के लक्षणों के लक्षण के बारे में कुछ देख लेते हैं। विलयन में केवल एक ही प्रवस्था होती है अर्थात समांगी निकाय होता है, दूसरा है परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली सभी गैसों के मिश्रण समांगी विलयन होते हैं, और अगला है आपका दो या दो से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण से स्टील पीतल आदि मिश्रण धातुएं प्राप्त होती हैं, चौथा है विलयन के गुण उनके घटक पदार्थों के गुणों पर निर्भर करते हैं। अगला, समांगी मिश्रण में सभी कणों का आणविक आकार
देखिए समांगी मिश्रण जो होते हैं उनके कणों का आकार जो होता है वो 10^9 मीटर तक होता है या 10^-9 नैनोमीटर तक होता है। समांगी मिश्रण का जीवन में उपयोग तथा महत्व उसके संगठन पर निर्भर करता है। अब देखिए हम विलयनों के प्रकारों को देख लेते हैं। तो विलयन के मुख्य 3 प्रकार हैं। ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में गैस का द्रव में। परंतु भाई ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो ये 9 प्रकार के होते हैं। जैसे ठोस का ठोस में विलयन होता है जैसे पीतल जस्ता आदि मिश्र धातु में, ठोस का द्रव में विलयन होता है जैसे चीनी का जल में विलयन, ठोस का गैस में विलयन जैसे धुआं, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, देखिए द्रव का द्रव में विलयन जैसे दूध में जल, द्रव का ठोस में विलयन जैली धातु अमलगम, गैस का ठोस में विलयन H2 गैस व PD, गैस का गैस में विलयन जैसे वायु हो गया, गैस का द्रव में विलयन जैसे सोडा वाटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।